अच्छा, तो इंडिविजुअल डिजीज़ करने में पहली जो हम डिज़ीज़ कवर करने वाले हैं दैट इज़ द कोलरा। अब हर एक डिज़ीज़ से ना हमने इंपॉर्टेंट चीज़ जो करनी है वो इसकी एपिडेमियोलॉजी है, कंट्रोल और ट्रीटमेंट है। ये तीन चीज़ें वो है जो हमने हर डिज़ीज़ की स्टडी करनी है, एपिडेमियोलॉजी, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट। इसके अलावा कुछ ऐसे फीचर्स और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमने हर डिज़ीज़ के बारे में स्पेसिफिकली करने हैं तो वो हम वन बाय वन देखेंगे। लेकिन अच्छा, कोलरा हमें पता है कि इट इज़ एन एक्यूट डायरियल डिज़ीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय विब्रियो कोलरा ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल डिज़ीज़ है। और सिम्टम्स ये हैं कि इसमें प्रोफ्यूज एफर्टलेस वाटरी डायरिया होता है, फॉलोड बाय वॉमिटिंग, रैपिड डिहाइड्रेशन, मस्कुलर क्रैम्स एंड सप्रेशन ऑफ यूरिन एंड यूरिया, हम कह सकते हैं किडनी फंक्शन भी इंपेयर हो रहा होता है। एनीवे, एपिडेमियोलॉजी में हमने हमेशा तीन चीज़ें डिस्कस करनी होती है। एपिडेमियोलॉजी में हमने किसी भी डिज़ीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी होती है और उसके डिटर्मिनेंट्स देखने होते हैं। दो चीज़ें देखते हैं हम एपिडेमियोलॉजी में, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स पे प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन हम बाय टाइम, प्लेस एंड पर्सन देखते हैं। बाय टाइम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यही है कि ये ज़्यादा होता है विब्रियो कोलरा रेनी सीजन में। बाय प्लेस इसकी यही है इस डिस्ट्रीब्यूशन की, ये पुअर सैनिटेशन वाले एरियाज में ज़्यादा होता है, जहाँ पे फ्लाई ज़्यादा पाई जाती है वहाँ ज़्यादा होता है, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर वाली जगह पर ज़्यादा होता है, पुअर हाउसिंग यहाँ पर वहाँ पर ज़्यादा होता है, ओवर क्राउडिंग जब डिफरेंट फंक्शंस में हो जाती है उसमें होता है। तो बाय टाइम यही है कि रेनी सीजन ज़्यादा होता है, बाय प्लेस यही है कि पुअर सैनिटेशन है, फ्लाइज है, ओवर क्राउडिंग है, पुअर हाउसिंग है, ये हो गया। बाय पर्सन इसकी एपिडेमियोलॉजी यही होती है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यही है कि ऑल एजेस में अफेक्ट कर सकता है, बोथ सेक्सेस में अफेक्ट कर सकता है। गैस्ट्रिक एसिडिटी के बारे में कहा जाता है कि गैस्ट्रिक एसिडिटी कम हुई हो ड्यू टू एनी रीजन तो भी बंदा ज़्यादा ससेप्टेबल होता है टू गेटिंग कॉलरा। इकोनॉमिक ये पुअर सोशल इकोनॉमिक क्लास में होता है, लैक ऑफ एजुकेशन में डेफिनेटली पुअर सैनिटेशन भी पाई जाती है उसमें ज़्यादा होता है। पर्सनल हाइजीन में यही है कि पुअर हाइजीन होगी तो ज़्यादा इसके केसेस आएंगे। ये होगी उसकी एपिडेमियोलॉजी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन। एपिडेमियोलॉजी सेकंड कंपोनेंट होता है एज आई टोल्ड यू डिटर्मिनेंट्स। प्राइमरी डिटर्मिनेंट तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ है विब्रियो कोलरा। सेकेंडरी डिटर्मिनेंट है वही जो बात की कि पुअर सैनिटेशन की वजह से होता है, लार्ज फैमिलीज, ओवर क्राउडिंग की वजह से होता है, फ्लाइज की वजह से होता है, ये इसके सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स हो गए। इसके अलावा जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है इसमें वो हमने देखनी है कि कैरियर्स कोलरा, जैसे हमने पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरियर्स देखे थे कि एक इंक्यूबेटरी कैरियर होता है, कॉन्वालेसेंट कैरियर होता है, हेल्दी कैरियर होता है, ये तीन उसके टाइप्स ऑफ कैरियर्स हैं। और फिर टाइम के बेसिस पर भी होता है कि टेम्परेरी कैरियर है या क्रोनिक कैरियर है। तो विब्रियो कोलरा के बारे में बताना चाहिए कि इसके कैरियर्स क्रोनिकली भी पाए जाते हैं, ओवरऑल लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम इसका जो कैरियर होगा वो इन्फेक्ट करने के कैपेबल है डिफरेंट लोगों को, ठीक है। तो जो इंक्यूबेटरी कैरियर्स हैं वो इसके इंक्यूबेटरी कैरियर्स भी होते हैं जो विद इन 1 to 5 days, वी नो के जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका वो 1 to 5 days का ही होता है, अर्ली 5 days का इंक्यूबेशन पीरियड होता है डिजीज़ का। तो जो 1 to 5 days के दौरान डिजीज़ स्प्रेड करेगा उनको हम प्री क्लिनिकल या इंक्यूबेटरी कैरियर्स कहेंगे। कॉन्वालेसेंट कैरियर वो होते हैं जो ड्यूरिंग रिकवरी फेज डिजीज़ ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। इफ द पेशेंट हैज हिमसेल्फ रिकवर्ड फ्रॉम द अटैक ऑफ कोलरा बट मे कंटिन्यू टू एक्सक्रीट विब्रियोज ड्यूरिंग कॉन्वालेसेंस फेज फॉर 2 to 3 weeks, ठीक है। कॉन्टैक्ट और हेल्दी कैरियर ये कि जो खुद उसने सब क्लिनिकल इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन ही इज़ केपेबल ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज़, मोस्टली 10 days तक वो स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और क्रोनिक कैरियर ये कि लॉन्गेस्ट कैरियर स्टेट हमने देखा कि 10 साल तक एक बंदा इसको स्प्रेड कर सकता है। और गोल ब्लैडर इसमें हमारे पास इन्फेक्टेड नजर आएगा और एंटीबायोटाइटर भी पॉजिटिव होगा उस ऑर्गेनिज्म का। बाकी पैथोजेनेसिस वगैरह इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कम्युनिटी मेडिसिन के एस्पेक्ट से। और अच्छा, इसके ना क्लिनिकल फीचर्स भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें देखने हैं। क्लिनिकल फीचर्स में यही है कि हमने देखा कि स्टार्ट में क्या होगा, वाटर डायरिया होगा, इसको हम कहेंगे स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन। सेकंड हमने कहा कि उस पेशेंट में क्या मिलेगा, हमें वॉमिटिंग होगी, डिहाइड्रेशन होगी, उसको हम कहेंगे स्टेज ऑफ कोलैप्स। थर्ड उसमें फिर रिकवरी स्टेट आने लग जाएगी, तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में एक है स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन, एक है स्टेज ऑफ कोलैप्स और तीसरा स्टेज ऑफ रिकवरी। स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन में क्या हो रहा है, अब्रप्ट ऑनसेट है, प्रोफ्यूज पेनलेस वाटर डायरिया है, फॉलोड बाय वॉमिटिंग, इसको हम स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन कह रहे हैं। और 40 stools पर डे भी पास कर सकता है। राइस वाटर पेरेंट्स होते हैं स्टूल्स की और फिशी ऑर्डर होते हैं, ये हमें चीज़ें देखनी है कि वाटर डायरिया फॉलोड बाय वॉमिटिंग, राइस वाटर पेरेंट्स और फिशी ऑर्डर। स्टेज ऑफ कोलैप्स में क्या है, ड्यू टू डायरिया एंड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस वॉमिटिंग उसमें डिहाइड्रेशन अपीयर होगी। और डिहाइड्रेशन के जो साइंस होते हैं, संकन आइज, हॉलो चीक्स, स्केफोल्ड एब्डोमेन, सब नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, और लो बीपी है, लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी है, ये चीज़ हमें नजर आएंगी जो डिहाइड्रेशन साइंस। और यूरिन आउटपुट भी बहुत कम हो जाएगा इस स्टेज में, रेस्टलेसनेस, इंटेंस थर्स्ट, क्रैम्प्स इन लेग्स भी मिलेगा और डेथ भी अकर होती है मोस्टली इस स्टेज में ड्यू डिहाइड्रेशन एंड एसिडोसिस। रिकवरी फेज में ये है कि बीपी वापस मेंटेन हो जाएगा, टेम्परेचर वापस मेंटेन हो जाएगा, यूरिन एक्सक्रीशन वापस में रीस्टैब्लिश हो जाएगी, एंड यूरिया अगर प्रेजिस्ट करेगा तो पेशेंट डाई भी कर सकता है ड्यू टू रीनल फेलियर। और माइल्ड केसेस में हमें 1 to 3 days में रिकवरी मिल जाती है।
अच्छा, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट इज अगेन इंपॉर्टेंट. में बस नौ पॉइंट्स है कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट के, हमें जो वन बाय वन देखने हैं. एक तो ये है कि करेक्ट वेरिफिकेशन होनी चाहिए डायग्नोसिस की, ठीक है. नंबर वन स्टेप क्या है, अगर वेरीफाई नहीं होगा, अगर डायग्नोसिस सही नहीं होगा, तो हम कैसे उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं. तो नंबर वन जो कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट में पॉइंट है, दैट इज वेरीफिकेशन ऑफ द डायग्नोसिस, वेरीफाई हो जाए डायग्नोसिस. देन सेकंड इज नोटिफिकेशन. कोलरा एक ऐसी डिजीज है विच इज नोटिफाइबल डिजीज, ठीक है. कोलरा इज नोटिफाइबल विद इन 24 आवर्स, हमें नोटिफाई करना होता है. जो नंबर ऑफ केसेज है, हमने हर डेली बेसिस पर भी बताने हैं, वीकली बेसिस पर रिपोर्ट करना है. सो अनटिल एंड अनलेस दैट एरिया इज डिक्लेयर फ्री ऑफ कोलरा. हम कब से डिक्लेयर करेंगे फ्री, कि जब 10 दिन तक डबल द इंक्यूबेशन पीरियड टाइम तक कोई भी उसका केस आइडेंटिफाई ना हो, और लास्ट डेथ को, रिकवरी को, आइसोलेशन ऑफ द लास्ट केस को 10 दिन गुजर जाए, तब हम कहेंगे कि वो एरिया कोलरा फ्री है, तब हम नोटिफाई करते रहेंगे उसके केसेस को, ठीक है. सेकेंड पॉइंट ये हो गया. फिर अर्ली केस फाइंडिंग, उसको अर्ली हम फाइंड करें, ठीक है. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रीटमेंट सेंटर. एस्टैब्लिशमेंट ट्रीटमेंट सेंटर्स में यही है कि माइल्ड डिहाइड्रेटेड लोगों को तो हम ये घर पर ही ट्रीट करने का बोलें, ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूड लें, और जो सीवियरली डिहाइड्रेटेड है उनको आईवी फ्लूड देना चाहिए. और जो मोबाइल टीम्स भी हमें मोबिलाइज करने चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल, जहाँ पर लोगों को मतलब कोई आसपास हॉस्पिटल या कोई रिहाइड्रेशन सेंटर नहीं है, ठीक है. और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें हम ORS ही देते हैं पेशेंट्स को, और हम 1 लीटर में उसका उसको डिजॉल्व करके यूज़ करने की उनको हम रिकमेंडेशन देते हैं, और वो विद इन 24 आवर्स यूज़ करना होता है. और उसमें यही है कि अगर हम ग्लूकोज देंगे ना उनको ओरली, तो इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स भी इंप्रूव होगी, और वाटर डेफिशिएट जल्दी क्लियर होगा. तो ये इंपॉर्टेंट होता है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की. सैनिटेशन मेजर्स भी लेनी है कि प्रॉपर वाटर कंट्रोल हो, एक्सक्रीटर डिस्पोजल सिस्टम प्रॉपर हो ताकि वाटर कंटेमिनेट ना करे, इंप्रूवमेंट ऑफ फूड सैनिटेशन, वाटर सैनिटेशन, कंकरेंट एंड टर्मिनल डिसइंफेक्शन. कंकरेंट इन्फेक्शन डिसइंफेक्शन ये होती है कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल हम उसको साथ साथ चीज़ों को उसकी जो उसने चीज़ें यूज की उसको डिसइंफेक्ट करते हैं. टर्मिनल ये है कि जब एक पेशेंट क्योर हो जाए कंप्लीटली डिजीज से, तो हम उस पूरे एरिया को जहाँ पर वो प्रेजेंट था उसको हम डिसइनफेक्ट कर दें, दैट इज टर्मिनल डिसइनफेक्शन. कीमो प्रोफिलेक्सिस में हम एंटीबायोटिक देंगे, डेफिनेटली टेट्रासाइक्लिन की ड्रग देते हैं. और एडल्ट्स में 500 मिलीग्राम BD डोज है, चिल्ड्रन में 125 मिलीग्राम BD डोज है, और डॉक्सासिन भी दे सकते हैं अदर डिजीज है. अच्छा, इसकी जो एक डेफिनेटिव प्रिवेंशन है प्रोफिलेक्सिस है, दैट इज़ वैक्सीनेशन. कोलरा वैक्सीन हम सबको ट्रेनियसली देते हैं, और ये 2 इक्वल डोजेज होती हैं, और हम इसको तकरीबन 1.5 महीने या 4 से 6 वीक्स के गैप से देते हैं. और अगेन 6 महीने बाद इसकी बूस्टर डोज देनी पड़ सकती है, बट डेफिनेटली ये मतलब प्रिवेंट करती है कोलरा को फ्रॉम हैपनिंग. हेल्थ एजुकेशन हैज़ टू बी देयर, द इफेक्टिवनेस एंड सिंपलिसिटी ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, उसके बारे में उसको गाइड करना है. और अर्ली रिपोर्टिंग के लिए गाइड करना है, फूड हाइजीन प्रैक्टिसेस के लिए गाइड करना है, हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस के लिए गाइड करना है, और प्रॉपरली कुक्ड फूड और हैविंग सेफ वाटर इसके लिए गाइड करना है. तो ये 8-9 पॉइंट्स है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की. हमने उसमें क्या देखा कि वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस देखा, हमने नोटिफिकेशन देखा, अर्ली केस फाइंडिंग देखा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रीटमेंट सेंटर्स, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, सैनिटेशन मेजर्स, कीमो प्रोफिलेक्सिस, वैक्सीनेशन एंड हेल्थ एजुकेशन. ऑल दीज आर द पॉइंट्स फॉर कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट. और बस हमने उसके क्लिनिकल फीचर्स देखे, स्टेज ऑफ इवैकुएशन, स्टेज ऑफ कोलैप्स, स्टेज ऑफ रिकवरी, ठीक है. और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी, कैरियर्स देखे थे डिफरेंट टाइप्स के, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट इट. थैंक यू सो मच.